श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा विदलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ देखो, आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है। आज हमारे प्रभु जी, क्या नाम प्रभु जी आपका? जोगेश्वर दास। जोगेश्वर दास। पत्नी का नाम? राधा रानी। अनुराधा दास। कहाँ गई अनुराधा दीदी? इधर आ जाओ, अभी सारे काम को बंद कर दो, थोड़ी 5-10 मिनट बैठ जाओ। आज इन्होंने अपना ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर मंदिर बनाया, आप देखे होंगे ना कितना सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया। लोग क्या करते हैं, पहले भले ही ठाकुर जी के लिए नहीं बने, अपना घर को सबसे पहले बढ़िया बनाने के लिए चाहते हैं। भले ठाकुर जी घर नहीं बने, लेकिन पहले कुत्ते के लिए घर पहले बना देते हैं। कुत्ता कहाँ पर रहेगा? लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है, पहले अपना लिए मत देखो, पहले ठाकुर जी के लिए देखो। क्योंकि जिसने सब कुछ दिया तुम्हें है, वो जैसे देना जानता है ना, वो लेना जानता भी। वो मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है। वो करोड़पति को रोड़पति, रोड़पति को करोड़पति बनाने में ताकत रखता है। रात रात सब कुछ वो करने समर्थ है। इसलिए शास्त्र कहता है, ईसा व समिदम सर्वम जत किंचा जगत या जगत तेना त्यक्तन भुंजिता मा घृत कस्य सिद्धनम्। ये उपनिषद का श्लोक है। इसका मतलब है कि जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं ना, हम कहते हैं ना, उसको इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है। देने वाले वही है, सब कुछ उसी का ही है। फिर क्या करनी चाहिए? उसको देख करके उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करो। कोई कोई लोग कहते ना, अरे दुनिया तो उसी को, उसको क्या दे? कोई बोलते ना, दुनिया तो उसको, उसका क्या दे? उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे की छोटा बच्चा, अब उसको हाथ में कोई की मिठाई दे दिया, लेकिन छोटा सा बच्चा, वो अगर मिठाई से थोड़ी सी लेकर के अपना पिताजी के मुंह में दे देना, बच्चा पिताजी कितने खुश हो जाते, देखो मेरे बेटे कितने अच्छे हैं। कितने दे दिया किसने? पिता ने। पिता का दिया हुआ वस्तु जब उसने थोड़ी सी पिताजी के मुंह में दे देता है, बच्चा खुश, पिताजी बड़े खुश, देखो कितने मेरा बच्चा कितने बढ़िया है। इसलिए दिया हुआ तो उसी की है, सब कुछ दिया है। लेकिन वो ये चाहते हैं, मैंने जो तुमको सब कुछ दिया है, अभी हम देखेंगे तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो मेरे लिए जैसे पिता ने जन्म दिया बच्चे को, बड़ा बनाया, होनहार बनाया, नौकरी कलबंद करवा, शादी करवा, सब कुछ कराया, लेकिन पिता क्या आप क्या करता है? मैं जिस बच्चे के लिए इतने किया है, वो क्या मेरे ऋणी को भूल जाता है ना? एक रात में पत्नी ने जो कान में मंत्र दी, इतना दिन तक हमने लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया, एक रात में पत्नी की तो नहीं हो गई उसने, उसका एक रात में खोपड़ी तो खराब नहीं हो गया ना? पिता माता को पूछता है ना, पिता माता को नेग्लेक्ट करता है, हैं? अगर बच्चा अगर पिता माता को भूल गया, जिसने जन्म दिया उसको, पिता माता खुश रहेगा? अब तब पिता खुश रहेगा? उसको कभी नहीं रह सकता। इसलिए जिसने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए कृष्णा उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव अगर मेरी कोई मंदिर बन रही है, उसमें एक ईंट अगर किसने लगा देता है, भगवान कहते एक ईंट लगा देता है, मैं उसके लिए अपना गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ, राजमहल बना देता हूँ। अगर मेरे मंदिर में कोई एक ईंट लगा दे तो इतने ठाकुर जी इतने रीच जाते हैं। थोड़ी सुदामा बताओ दिया क्या? 2 मिनट तो चिड़वा दिया है, और कुछ दिया है? भगवान त्रिभुवन का राज्य उसको दे दिए है। इसलिए ये धन्यवाद को पात्र है प्रभु जी, जो उन्होंने पहले एक मंदिर था उन्होंने वृंदावन में शिफ्ट करके, और ठाकुर जी के लिए देखा ना कितना सुंदर मंदिर बना है, कितना आलिश उन्होंने पत्थर का सुंदर, ठाकुर जी के कितने पैसा खर्चा किया है, देखा ना आप लोगों ने? इसलिए आप उनके लिए ताली बजाओ कम से कम। उन्होंने इतने सुंदर मंदिर ठाकुर जी को घर में स्थापित किया। देखो संत लोग उदाहरण देते, ये चीज को समझ लो। जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से सजाओ, आप देखना शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना शरीर को जैसे सजाए ना, शीशा में जो परछाई है उसको सजाने का जरूरत नहीं है। अपना शरीर को सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना परछाई अपने आप सज जाती है।
जाती है कि नहीं? परछाई को सजाने का जरूरत होता है क्या? नहीं, शरीर को सजा परछाई अपने आप सज जाती है। तो उसी तरह जो जितने ठाकुर जी को अच्छी तरह से सेवा करता है, ये चीज को गांठ बांध लो, जो जितने ठाकुर जी को जितने अच्छी तरह से सेवा करता है, ठाकुर को सजाता है, खिलाता है, वो उतना ही संसार में हरे भरे वही उतना रहता है, हरे भरे रहता है, हैं? क्योंकि उसने दिया सब कुछ, इसलिए पैसा का एक नाम है लक्ष्मी। कभी बैठो, कहीं मत जाओ, थोड़ी देर बाद में करते ना क्या छपट पर। इसलिए कहते हैं जैसे पैसा, पैसा को कहते लक्ष्मी, इसको अच्छे तरह समझ लो। आप बताओ लक्ष्मी तुम्हारी ना लक्ष्मी नारायण की? अरे बोलो ठीक से, नारायण की। जब लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग जाती है ना, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। मेरे को अपना पति की सेवा में लगाया, फिर वो आशीर्वाद देते, बेटा खूब फलते फलते रहो, क्यों? मेरे को अपना प्रभु जी की सेवा में लगाए। अगर प्रभु जी की सेवा में लक्ष्मी को नहीं लगाओ, खुद भोग करने के लिए जाओ, खुद बढ़िया मकान बनाए, खुद बढ़िया बढ़िया खाएंगे, ठाकुर को कोई सेवा बुझा नहीं, लक्ष्मी कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। भले ही घर में अरब खरब रुपया आ जाए, देख लेना कभी घर में सुख शांति में तुम्हें रहने नहीं देगी। मामला मुकदमा लड़ाई इतने कड़ी बड़ी चीज संसार में ले आएगी, परेशानी परेशानी कर देगी। क्यों? लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी और नारायण की, उसकी सेवा करने पर ही लक्ष्मी खुश रहेगी, नहीं तो ऐसे खुश तुमको रहने नहीं देगी संसार में, एकदम नहीं देगी। तुमने गड़बड़ी ले आएगी, खुद भी सोच नहीं सकते कितने गड़बड़ी गड़बड़ी ले आई लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी के दो वाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़। आप देखना जब लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठती है, कब उल्लू के ऊपर सवार होकर के आती है? जो व्यक्ति कहते हैं माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? तेरे को भोग करें, खाएंगे पाएंगे मकान बनाएंगे अपना। फिर तो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठने का, फिर हमें उल्लू की पट्ठा बना दी है, हमें उल्लू बना दिए उस समय। क्यों? लक्ष्मी को तुम भोग के लेके बुला रहे हो, लक्ष्मी बोले तुम मेरे को भोग करो, मैं नारायण की हूँ, तुम्हारी थोड़ी हूँ, मैं तो नारायण की। हाँ लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, पैसा के ऊपर कुछ होता है नहीं। माँ लक्ष्मी घर में आओ, क्योंकि तेरे के सिवाय गोविंद के ठाकुर का सेवा कैसे होगा? तू आओगे तभी तो हम ठाकुर का सेवा कर सकते हैं ना। फिर लक्ष्मी कहे तो उल्लू के ऊपर बैठेगी नहीं, वो गरुड़ के ऊपर बैठ कर खाएगी। आप देखना जो गरुड़ है ना और नारायण वैकुंठ में रहते हैं। आप कहीं भी भगवान के विष्णु मंदिर देख लो, कहीं भी विष्णु मंदिर देखोगे वो गरुड़ जी है। क्यों? गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में रहते हैं। फिर तो तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे घर को ये वैकुंठ पूरी बना देगी, वैकुंठ पूरी बना देगी तुम्हारी घर को। इसलिए हर चीज में हम जो कुछ करते हैं, हर चीज में हमारी ये ध्यान रहनी चाहिए, हम कर रहे हैं किसके लिए? बढ़िया सुंदर बनाओ किसके लिए? ठाकुर जी का मंदिर, भगवान के लिए। पैसा कमाओ, पैसा के ऊपर कुछ नहीं होता है, क्यों? ठाकुर का सेवा में लग गया पैसा। रसोई बढ़िया से बना रहे, बोले क्यों? बोले खुद खाने के लिए नहीं, ठाकुर को भोग लग गया। ठाकुर जी को क्या लग गया, बोलो जोर से। अब बता, ठाकुर को भोग लगा था ना, खुद चट कर लेते नहीं। घर में जो कुछ बने, घर में जो कुछ बने, सबसे पहले नजर रखनी चाहिए ये अपना लिए बनाते ना, ठाकुर जी के लिए बना रहे, ठीक है ना? सबसे पहले क्या किसके लिए बनाएंगे? लेकिन अगर प्याज कसनों खाओगे, भोग लग गया फिर ठाकुर जी, प्याज कसनों खाते हो, फिर भगवान के लिए तुम बना रही हो, अपना भोग के लिए बना रहे हो, भगवान के लिए नहीं, अपना भोग के लिए बना रहे हो। इसलिए प्याज कसनों का हमें त्याग देनी चाहिए। जैसे नवरात्रि आती है ना, देख लेना नौ दिन तो कोई खाते हैं नहीं, क्या नौ दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा क्यों नहीं खाते हैं प्याज कसनों? कारण है उसका जो सृष्टि है ना, भागवत पढ़ करके देखो, भगवान जब सुदर्शन चक्र से उन्होंने स्वर भानु दत्त को काटे गले को, जहां पर उसका मांस गिरा ना, वहां पर पौधा प्याज की पौधा। अब देख लेना जैसे मांस लाल लाल रंग के, प्याज भी लाल लाल, मांस सड़ जाने पर जैसे बदबू आती है, कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू मारती है, मरती कि नहीं? प्याज काटो पता चलेगा प्याज कहीं कट रही है, प्याज की छौंक तो उसका। इसलिए किसी देवादेवी को भोग लगता है? राम खाते हैं ना, कृष्ण खाते हैं ना, नारायण कौन खाते हैं? हनुमान जी खाते हैं, कोई खाते हैं? अरे भैया जो भगवान नहीं खाते फिर उस चीज को हम क्यों खा रहे हो? जब महादेवी कोई चीज पसंद नहीं नौ दिन तक, क्या नौ दिन तक मैया को खुश रखना, फिर खाकर नाराज कर दो, ठीक है ना?
क्या करना बोलो, प्याज को त्याग देना, आज से प्याज घर में नहीं आनी, ठीक है ना? क्या बोल रहे हो? अरे हाँ कि ना बोलो ना, हाँ घर से आज से प्याज घर में नहीं घसाना, ठीक है ना? प्याज को नहीं घुसानी चाहिए, प्याज गंदी चीज है। देखो जब ये मुसलमान लोग धीरे धीरे हमें मुसलमान बनाने के लिए उन्होंने एक प्लानिंग निकाला, क्या जानते हो? उन लोगों ने देखा है कि जो हिंदू है दूसरे मांस खा लेता है लेकिन गो मांस नहीं खाता है, खाता है नहीं खाता है, क्योंकि इसको खाते ही धर्म तुम्हारी नष्ट हो जाए। इन लोगों ने शास्त्र को ढूंढा, बोले इनको कैसे धीरे धीरे मुसलमान बनाया जाए। इसलिए पुराण में कथा आती है, पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन कोई गैया बुरी हो जाए ना, वो माँ है, माता उसको मरने नहीं देते थे, उसको बुरी हो जाने पर यज्ञ करके उसको बलिदान देते थे और उसको आहुति डालते थे। लेकिन इस ऋषियों के पास में यही मंत्र था, जब दो बार पढ़ते थे फिर गैया जवानी बन जाती थी, कहीं गैया बुरी बन गई हो गई तो उसको बलिदान दिया, सबको हाथ में दे दिया। हर तरह के लोग होते, किसी ने वो मांस खाने के लिए उसने छुपा दिया राखों में और सबके सब आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र पढ़ा, पढ़ते ही गैया जवानी बन करके निकली। लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपाया था जिसका भाव बना हुआ, और ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा ध्यान लगाया ऐसे कैसे होगा, तो किसने मांस खाने के लिए छुपाया था अभिशाप उन्होंने दिया, जहां पर मांस गाढ़ा प्याज की पौधा होगी, जहां पर हड्डी गाढ़ दिया लहसुन पौधा होगा, जहां पर खून का बूंद गिर वहीं पर मसूर दाल होगी, हैं उन्होंने अभिशाप दिया है। इसलिए आप भी देखना तुम्हारी परिवार में एक दो पीढ़ी पहले चाल तुम्हारे घर में नहीं आता हो, देखना तुम्हारे घर में नहीं आती होगी। क्यों? हर हिंदू पहले ठाकुर को भोग लगा कर खाया करते थे, घर में ठाकुर को सेवा पूजा हुआ, धीरे धीरे मुसलमान लोग लाग ला करके बोले धीरे धीरे इनको मुसलमान कैसे बनाया जाए, हैं कैसे? पहले प्याज खाओ, जानते प्याज खाने धर्म गया, फिर ले आओ लहसुन, तब भी नहीं बोले अंडा धीरे धीरे लाओ, पेट नहीं भर बोले मांस ले आओ, फिर दारू ले आओ, बाहर धीरे धीरे गया सारे धर्म। अब देखना धीरे 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 सब मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, सारे मुसलमान धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। इसलिए ये सब चीज पाप चीज है, इसलिए जो चीज ठाकुर को प्यारा नहीं वो चीज हमें भी बोला नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना? आज से घर में ठाकुर जी को भोग, ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ। ठाकुर किसके लिए खाना बनाओगे? किसके लिए? ठाकुर जी के लिए, अपना लिए नहीं खाना, ठाकुर जी के लिए खाना बनाएंगे, ठीक है ना? ठाकुर जी को भोग लगाओ। सुदामा का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? आप देखे होंगे टीवी में, ये पहले गरीबी क्यों बना, ये धनी भी क्यों बना, आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, गुरु माता ने चाना दिया था, बोले कृष्ण को देकर खाना, लेकिन सुदामा ने क्या की, पेड़ के ऊपर बैठे बड़े छुप छुप कर खाए, भगवान बोले मेरे हिस्सा के खाए ना, फल को बना पड़ेगा। इतने दरिद्र उसकी घर में आई, इतने गरीबी आई, लेकिन फिर धनी का बना, जब उसकी पत्नी को पता चला बचपन का दोस्त कृष्ण है, बोले जाओ भगवान को दर्शन करके आओ, बोले खाली हाथों में नहीं, दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक बार खाए, दो बार खाए, तीसरी बार खा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी नहीं, अपने दो बार खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, तीसरी बार खाओगे तो मैं जो लक्ष्मी दासी बन गया, घर में देखा तो सोने की महल, पत्नी को पहचान नहीं पाया, उसका पति ने आरती उतारने के लिए आई, बोले ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही हो, पीछे हट रहे थे। इतने में सुशीला बोलती है पीछे क्यों हट रहे, बोले तू एक बार बोलते आपको मैं वही सुशीला बोली सुन क्या है, बोले ठाकुर जी के लिए दो मिनट चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दी है, घर में ठाकुर को भोग लगाओगे ना। देखो कृष्ण गीता में कहते बोले प्रसाद है सर्व दुखाना हानि रस उपजाते है, और जो मेरे को जो भोग लगा कर खाता है घर में कोई दुख कष्ट नहीं आता, सर्व दुख खत्म हो जाती है, और जो नहीं भोग लगाता है बन जाते तो अगम, वो हर ग्रास गस में डाल भात नहीं वो पाप भोजन करते हैं। इसलिए हमारे मनु संहिता में तो बहुत गाली दिया है, कहते स्वान अभिष्ठा समाचरण, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता कुत्ते का पट्टी बताया, कुत्ते का विष्ठा है, नीर मतलब पानी, ये मदिरा के बराबर, ये पेशाब के बराबर, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगती है, ठीक है ना? आज से क्या करना है, ठाकुर जी को घर में जो बने अपना लिए नहीं बना रहे, किसके लिए बना रहे? अरे बोलो किसके लिए? ठाकुर जी के लिए बननी चाहिए, ठीक है ना? ये चीज गांठ बांधना। इसलिए ठाकुर जी अभी प्रश्न है ठाकुर जी जगत में क्यों आए, कारण क्या? बोले कारण इसलिए ठाकुर जी जगत में आए हमारे कल्याण करने के लिए। एक दिन नारद जी से बढ़ते जगत में आए, घर घर में गए,
सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सबके सबका सिर हिला हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात पूछा ना, देखा जगत में कोई राइट नहीं, सब रंग है। देखा कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई मन से दुखी, दुखी दुखी एक व्यक्ति को दुनिया में सुखी मिला ही नहीं। सबको देखा दुखी, बड़े दुखी हो गए नारद, वैकुंठ में गए। देखा भगवान अनंत नागवर सैन्य की हो ये माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु दुनिया किसने बनाया, आप ही तो बनाए। हाँ तो दुनिया को बना दिया आप, और दुनिया में जीव दुख कष्ट भोग कर आप दिया, बड़ा आनंद ले रहे हो वैकुंठ में, आनंद ले रहे हो। बोले प्रभु क्या करना बताओ। बोले प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, मतलब भगवान से विमुख होकर के जगत में अभी किसको शांति नहीं मिला। लेकिन हम लोग क्या खुश हो जाते हो, ज्यादा रुपया पैसा होगा तो शांति हो जाएगी, हमारे मन में ये धारणा, ज्यादा पैसा आएगा तो शांति। रावण का नाम सुने ना, जिसकी सोने की लंका, सोने की कितना हमारे पास हो, सोना 10 किलो 20 किलो, उसका पूरा लंका ही सोने की है। सोचते अच्छी कोई छोरी से शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएगी। पत्नी मंदोदरी मिशन वर्ष थी, एक नहीं कहीं से भी सुंदर से सुंदर मतलब पकड़ पकड़ करके उसने शादी कर रखा था। बेटा कैसे, रामायण देखे ना, मेघनाथ आख्या कर इतना बेटा, कहते 1 लाख जिस घर में बेटे थे, लेकिन जब शंकर जी को स्तुति करते हैं ना, ले बोले बाबा जीवन में सुख नहीं शांति नहीं, कदा सुखी भवा भी हम, हे भोले बाबा जीवन में बड़ा बेचैनी है, कब जीवन में शांति मिलेगा। रावण जैसे व्यक्ति जिसकी किसी कमी नहीं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, कभी सब बेचैन में थे, बताओ तो चैन में कौन जी रहा था। यही चीज को गांठ बांध लो, क्योंकि वो राम की शरण में था। हनुमान जी सबकी पूरा लंका जला दिया, किसकी घर को छोड़ दिए, भगवान राम सबको मार दिए, किसको छोड़ दिए, विभीषण। शिक्षा देते हैं अगर प्रभु की शरण में रहेंगे ना बढ़िया रहेंगे, प्रभु की शरण में रहेंगे तो हम जगत में सुखी और शांति में रहेगी, चीज को समझ लो है। इसलिए बोले प्रभु जब तक तुम्हारी कोई भक्ति नहीं करेगा तब जीवन में सुखी नहीं रह सकता, इसलिए प्रभु थोड़ी सी जीवों को सेवा दो है, जीवों को सेवा दो तभी आपकी सेवा करेगा, भक्ति करेगा, सुखी रहेगी। भगवान बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ। बोले प्रभु वैकुंठ किसी ने देखा है, देखा वैकुंठ सुने कोई वैकुंठ जागा है, बोले थोड़ा नीचे उतर करेगा वहां काम नहीं चलेगा। बोले स्वर्ग में भी हूँ। बोले स्वर्ग किसी ने देखा, सुना स्वर्ग कोई है लेकिन देखा क्या हमने, देखा नहीं। बोले और थोड़ा नीचे उतर, बोले देखो सभी का हृदय में मैं हूँ, परमात्मा रूप में है। कहते एक वृक्ष में दो तोता है, एक जीवात्मा एक परमात्मा, एक तो खट्टा मीठा फल खा रहा है और एक एक साखी रूप में देख रहा है। खट्टा मीठा फल कौन खा रहा है, ये जीवात्मा, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी दुखी, लेकिन देख रहा है कौन, इन्वॉल्व कौन नहीं होता, ये परमात्मा। सभी के हृदय में परमात्मा है लेकिन क्या अनुभूति हमारी है, क्या अनुभूति नहीं है। बोले प्रभु और थोड़ा नीचे उतर, और थोड़ा नीचे उतर जाओ। तब नारद जी बोलने पर ठाकुर जी स्वयं घर में जो लड्डू गोपाल देख रहे हो, घर में जो राधा कृष्ण देख रहे हो, घर में जो सीताराम को देख रहे हो, जो लक्ष्मी नारायण को देख रहे हो, नारद जी बोलने पर जीव को सेवा देने के लिए प्रभु वैकुंठ छोड़ कर किसी जगत में आए। देखो जिस भगवान को दर्शन करना कितने दुर्लभ है, ब्रह्मा शंकर भी जिसको ध्यान में था नहीं पाते, लेकिन आज दुर्लभ देखो इनके मंदिर में ठाकुर जी का, ताली बजाओ सब, क्योंकि मंदिर में वही ठाकुर जी मंदिर में राधा कृष्ण सखियों के साथ में खड़े, लड्डू गोपाल रूप में राधा कृष्ण के रूप में ठाकुर जी खड़े। क्यों, जिस भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, जब चाहो ठाकुर का दर्शन कर, जब चाहो ठाकुर जी को, जब लड्डू गोपाल उनको कोई स्पर्श, ब्रह्मा शंकर भी ध्यान में था नहीं पाते, लेकिन ठाकुर जी को हम हाथ में बैठा करके स्नान कराते, कराते कि नहीं, ठाकुर जी को पोछा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी गले में हम माला पहनाते हैं ठाकुर जी को, मतलब कितने वो दुर्लभ वस्तु क्यों जगत में आए, मतलब हमको शांति सुख देने के लिए। जीव जब मेरी सेवा करेगी, मेरी आशीर्वाद से जीव सुखी रह सकता है, इसलिए भगवान वैकुंठ छोड़कर इस जगत में आए। इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर को सेवा बुझा, तो हिंदू लोग है देखना पहले से ही, तुम्हारी माता जी होते हर घर में ठाकुर जी होता था, बताते कि नहीं, घर में देखना सवेरे उठ करके पहले ठाकुर जी को आरती उतारना, माताएं ठाकुर जी को स्नान कराना,
तिलक करना बस यही तो करते थे नहीं सब हमारे से पूर्वज लोग यही करते करते आए। इसलिए अगर हम जीवन में शांति और सुख में रहना चाहते हैं, जो जितने ठाकुर को सुख देगा वो उतना ही जीवन में सुखी रहेगा, ठीक है ना। ठाकुर को सेवा करो, पूजा करो, ठाकुर घर में खुश होएगा तो हम भी जगत में, हम भी संसार में खुशी रह सकते हैं। ठाकुर का सेवा है और एक काम करना, बोले क्या है, भगवान के तो पहले भगवान का नाम जप करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ठाकुर जी की नाम जप करके। प्रश्न होता है हम ठाकुर का नाम जप क्यों करें, किस लिए करें, क्या जरूरत है ठाकुर का नाम जप करने के लिए। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, मनमान कथा सुना 10% ये बच्चा आपको एक कथा सुनाएगा, बैठ के सुना सुना। पुष्पांजलि प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव। एक बार एक व्यक्ति था, भिखारी था, भीख मांगता था, तो उसका जो गुजारा होता था वो भीख मांग के ही गुजारा होता था, तो कोई काम नहीं करता था। तो ऐसे ही रोज की तरह वो भीख मांगने के लिए निकला। सुबह उसे पहला आदमी जो मिला वो एक सेठ मिला, तो उसने सोचा कि चलो आज पूरे दिन मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, सेठ मिला है कोई शायद ही कुछ ज़्यादा थोड़े भीख दे दे, तो पूरे दिन मुझे फिर दोबारा किसी का हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसके पास गया, उसे उसने हाथ जोड़ के बड़ी विनती से बोला कि मालिक मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर आप कुछ दे दें तो मैं भूखा हूँ सुबह से कुछ खा लूँगा। तो उस व्यक्ति ने जो अमीर था उसने उसे देने की बजाय उल्टा डांट दिया, बोला कि तुझे शर्म नहीं आती, इतना हट्टा कट्टा है, जवान है, मेरी तरह था वो, तो तुझे शर्म नहीं आती, तुझे भीख मांगते हुए तू मेहनत कर, कमा, खाएगा तो तब कितना अच्छा लगेगा, लोग तुझसे इंस्पायर होंगे, अब तू ऐसे काम कर रहा है अच्छा लग रहा है क्या, लोग देख रहे हैं तुझे चार गाली और देते होंगे। तो ये बात उसे लग गई भिखारी को। तो बोलता है कि आपको क्या लगता है मैं कमाना नहीं चाहता, मैं ऐसे भीख मांग के गुजारा करना चाहता हूँ, आपको ये लगता है? तो बोलता है अगर तू भीख नहीं मांगना चाहता तो जो लोग भीख नहीं मांगना चाहते वो भीख नहीं मांगते, वो काम करते हैं, तो तू क्यों मांग रहा है? तो बोल रहे मेरी मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है? बोले मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, तो जब मुझे कुछ आता नहीं है तो कोई मुझे काम नहीं देता, और जब मुझे कोई काम नहीं देता तो मुझे मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। पर इतनी सी बात फिर हाँ इतनी सी बात तो कह रहे चले एक काम करते हैं, तू अच्छा मेरे लिए काम करेगा। बोले करेगा? बोले बड़ी मेहरबानी मालिक आपकी, आप मुझे जॉब दे दोगे तो मैं फिर क्यों किसी के आगे भीख मांगूंगा, फिर मैं अपनी मेहनत का कमा के खाऊंगा। तो बोले चल एक काम करते हैं, तुझे पार्टनरशिप देता हूँ मैं। बोले पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? बोले तू मेरी जो मेरा कारोबार है उसमें मैं तुझे पार्टनरशिप देता हूँ। बोले मालिक मैंने तो थोड़ी सी भीख मांगी थी, आपने जॉब दे दी, अब आप पार्टनरशिप दे के मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बोले अरे नहीं नहीं सुन तो सही मेरी पूरी बात। तो मेरे ठीक है सुनाओ। तो कहते हैं कि पार्टनरशिप ऐसी, बोले 90% और 10% की। बोले मालिक आप तुम्हें छोटी सी जॉब दे देते, आप कहाँ मुझे अपने कारोबार में, इतने बड़े कारोबार में 10%। बोले तुझे कुछ नहीं करना, मेरा चावल का कारोबार है, तरह तरह के चावल होते हैं मेरे पास, तुझे बस दुकान पे जाकर के सैंपल। तो नेक्स्ट मंथ वेट करता है, एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, लास्ट डेट आ जाती है पर वो फिर भी नहीं आता। तीसरा महीना निकल जाता है, चौथा महीना निकल जाता है, पाँचवा महीना निकल जाता है, छठे महीने में मारी टेंशन में आया था। वो पूरा एरिया खरीद लिया है 500,000 रुपये का, और बहुत आलीशान मकान बना रखा है, गाड़ी वाड़ी खड़ी है, कह रहा भाई काम तो अच्छा चलेगा। चलो
किया तो सही है, लड़का बैंक नहीं है, मैं चलो कुछ हमारा एक परसेंटेज मिल गया तो अच्छा है। वो डोर बेल बजाता है, दो तीन बार बजाता है, कोई सुनता नहीं है, वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, सुनते हैं आदमी। दोबारा बजाता है, एक आदमी निकल के आता है, जब वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के जब वो सामने देखता है कि उसका मालिक खड़ा है, तो वो पहचानता नहीं, वो क्या बोलता है, भाई साहब आप कौन, क्या बोलता है उसको, जिसने उसको अपनी कंपनी में 90% का पार्टनर बनाया, जो एक टाइम पे 6 महीने पहले ठीक मांगता था, उसको अपनी कंपनी में 90% का पार्टनर बनाया, उसकी वजह से आज उसके पास जो भी है उसकी वजह से है। और वो जब वो सामने उस व्यक्ति को देखता है तो क्या बोलता है, भाई साहब आप कौन, एक प्रश्न था, आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे अगर आप किसी की इतनी मदद करें और आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, थैंक यू, एनीवन एल्स, प्रभु जी आप क्या कहेंगे, कुत्ता कभी ना कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, हराम को जरूर आ रहा होगा, सकते कोई नहीं, अब सब घर के लोग हैं, कोई बाहर बात लिख नहीं करेगा, बता सकते हैं क्या क्या कहेंगे प्रभु जी आपसे, ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, धोखे बात, ठीक है ठीक, प्रभु जी आप क्या कहेंगे, पीटने का मन नहीं करेगा, हराम को तुझे मैंने इतना सब कुछ दिया, आज तू मुझे बोल रहा है मैं कौन, मन नहीं करेगा, मैं मेरा तो करेगा। अब ये प्रश्न उठता है, वो व्यक्ति कौन है, जिसके पास कुछ नहीं था, कौन है, कैसे हम है, जब हम इस संसार में आए हम कैसे थे, जीरो, इवन हम वो तो भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने के लायक नहीं थे, भगवान ने क्या दिया, पेरेंट्स दिए बहुत अच्छे, हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, दो हाथ दो पैर दो आंख दो नाक दो कान सब कुछ दिया, आज हम जहां भी हैं जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं सांस ले रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज किसकी बदौलत कर रहे हैं, भगवान की बदौलत कर रहे हैं। भगवान ने वहां पे देखो कितना कुछ दे रखा हमें, बहुत कुछ दे रखा, कितना कुछ भी सब कुछ दे रखा है, और अब तो इतना कुछ दे रहे हैं, गुरु जी आपके घर पे आके बैठे हैं कथा सुना रहे हैं, ये 100 अवसर दे रखा है। अब यहाँ पे वो 10% और 90% वाला सीन क्या है, बोले भगवान ने एक चीज हमें सबसे बहुत ज्यादा कीमती दी है, कुछ दिया हो नहीं दिया हो लोग कंप्लेन कर सकते, मेरे पास पैसा कम है, मेरे ऐसे है, मेरे माँ ऐसे, मेरे पापा ऐसे, मेरा शरीर ऐसा है, मैं ये हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं है, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ कह सकते हैं, एक चीज भगवान ने सबको एक बोल दी है, क्या दिया, वो इक्वल नहीं है टाइम। कोई व्यक्ति कैसा भी सही, कितना वेल सही, कितना ही पुअर सही, किसी का एक हाथ है, किसी के दो हाथ है, किसी का कुछ भी नहीं है, टाइम सबको बराबर दिया। कोई ऐसा नहीं अमीर व्यक्ति उसको 26 घंटे दे रखे हैं, इलॉन मस्क को ऐसा तो नहीं 48 घंटे का उसका एक दिन होता हो, ऐसा तो नहीं है ना, उसका भी एक दिन 24 घंटे का ही होता है। तो वहां पे 90% और 10% वाले की क्या है, भगवान ने कहा कि तू दिन का 90% अपने लिए यूज कर, 90% अपने लिए यूज कर, क्योंकि लोग कहेंगे भाई हमारी फैमिली है, कारोबार है, घर है, बच्चे कहेंगे हमें पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, अपने फ्यूचर पे ध्यान रखें, ठीक है तू दे। सीन जो मेन है वो क्या है, 90% दे, बोले ठीक है, बोले 10%, बोले 10% 10% क्या है, 24 घंटे का 10% क्या होगा, दो घंटे 40 मिनट। अब हाथ उठा लगा और कौन अपना टाइम पे 10% दे रहा है, कोई गाली दे रहा था तो के बाद और कुछ मन में आ रहा हूँ, मारने पीटने मेरी आ रही थी, पर मैं दे रहा हूँ, पर मैं दे रहा हूँ अपना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ देखो भगवान हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, भगवान नहीं कहते हैं 10% मेरे को पैसा दो, ठाकुर नहीं चाहते, ठाकुर जी कहते हैं 10% मेरे लिए समय दे दिया, ठीक है ना, मतलब कैसे हमको 10% देंगे, तो भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए, कहते ना कलयुग केवल नाम आधरा और सुमेरे सुमेरे धरा, भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए,
इसलिए भगवान कहते भैया कम से कम मेरे को 2 घंटा 40 मिनट मेरे नाम जप। अगर हम इतना नहीं 10% नहीं दे सकते, 5% दे सकते हैं, दे सकते कि नहीं, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। अगर 2% दे सकते हैं ना, 1% दे सकते हैं, दे सकते कि नहीं 1%, बोला बता लो। 10% की बात छोड़ दो, 1% भी कितना होता है, वो भी कम से कम 20-40 मिनट होता है ना। मतलब सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान के नाम को जप करो, क्योंकि अब तक हिंदू है, आप देख लेना मरते समय जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते, आप लोग सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात उठा, ये बोलते हैं ना। किसको बोल रहे हैं जो ऊपर लेटा हुआ है, बोले देख बेटा जीवन में जितने तुमने केवल कृष्ण और राम का नाम लिया वही केवल सत्य था, इसके सिवाय तुमने जगत में जो कुछ इकट्ठे किए हो एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही। जिस पत्नी को तुमने 7 फेरा लगाकर शादी किया वो दरवाजा से आगे तेरे सामने निकलने वाले नहीं। जिसको परिवार बनाया शमशान तक जाएंगे जला करके, खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके टाटा करते करते बाहर घर में वापस आएंगे, उसका आगे कोई भी तेरे साथ में नहीं जाएगा। इसलिए हमारे भारत में कहते सब कोई बात झूठा है, मतलब प्रभु का नाम के सिवाय तुमने जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया, पर जा रहे क्या। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल पदी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा की भजन है, मतलब जीवन में मिला क्या तुमको, पर जितने राम का नाम लिया वही मिला, नहीं तो जगत में सबको पाया। बोले धन मिली कहाँ से, बोले दी मरे सतगुरु। कहते धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवार, पायो जी मैंने राम। ये ऐसे के धन है, अगर पत्नी कमाएगा ना उसको पति नहीं ले सकता, पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकते हैं, पिता कमाएगा तो बच्चा नहीं ले सकता है। जो कमाएगा इसी जीवन में आप ही इसका मालिक बनोगे, और अगली जीवन में मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय, ये दीन प्रतिदिन ये धन बढ़ेगी, ये कभी घटेगी नहीं, ये कभी नष्ट नहीं होगी धन। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, सुने होंगे ना, एक समय चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में भोजन, जैसे इन लोगों ने हम लोग निमंत्रण दिया है, तो भगवान ने एक चीज शिक्षा देने के लिए बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता, बोले प्रभु किसको घर में करोगे, बोले जो लखपति बनेगा। ऐसे में नहीं, आप कहते हो जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर होगा उसको घर में खाओगे, फिर भगवान सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति पर बोले कौन है, भगवान खुद कहते हैं बोले जिसने 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने ये मोती लूटे सो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हो गए। बोले लुटा कितने, बोले तुलसीदास को देखो, मीरा भाई को देखो, हनुमान जी को देखो, दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रही, जिनके घर घर में पूजा हो रही है, क्यों असली धन को लूटा। लेकिन जो दुनिया के धन को लूटते लूटते जो जिंदगी चला गया कंगाल होकर गए, हाथ पसार जाए है। इसलिए जो असली धन है भगवान की नाम धन है, ये धन को अगर लूट लिया तो समझो जीवन में तुमने सब कुछ कर लिया। अगर दुनिया के सारे काम तुमने बढ़िया से किया, किसी चीज की कमी नहीं रखा, बच्चों को पढ़ाया लिखा, दुकान मकान किया, लेकिन प्रभु का भजन नहीं किया, मीरा कहती है भजन बिना नरम भी को है। जैसे कि सब्जी बनाओ, खूब सब्जी में डाल, उसमें खूब घी मसाला डाले, लेकिन नमक ऐसे की चीज है थोड़ी सी नहीं डालोगे ना खाया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा। मीरा जी कहती है भजन बिना नरम भी को है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, भगवान के नाम जप करना। मेरे तरफ में देख लो कैसे लखपति बनोगे। अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, कुछ दिन पहले आता था कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर ठाकुर जी कहते कौन बनेगा लखपति, आप देख लो आपको एक माला दूंगा, ठीक है, सब एक माला लेकर जप करना, देख लो कैसे माला जप करोगे, लखपति कैसे बनोगे, ये चीज को देखो। देखो ये जो अंगुल ना इसमें टच नहीं करते क्योंकि गंधा अंगुल, हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे है, सबसे पहले निकलता है, इसको सीधा रखते हैं, ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखते हैं, रख करके मेरे साथ में बोलो सबके सब
बोला हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल कर ना एक मोती सारे इतना है दो बार बोल कर दो मोती तीसरा बार कर तीसरा मोती लेकिन देखो एक लाख कैसे होता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कितना बार हो गया 16 बार हो गया है एक मोती सर क्या था 16 दो बार तो कितना 32 तीन बार चार बार 64 है इसलिए इसमें जब यहाँ खत्म हो जाएगी इसको पार नहीं करने का है इसको फिर ऐसे घुमा करके दूसरे तरफ से करने का ठीक है ना दूसरे तरफ से करने का इसलिए अगर ये माला को अगर घुमा करके 16 माला कर लिया कितना 16 माला कर लिया उसके हिसाब से होता है 25,000 हो गया अगर 64 माला कर लिया ना हो गया 1,00,000 कितना हो गया भगवान खुद गए थे मैं नहीं भगवान गए थे बोले 1,00,000 माला नहीं की बोले क्या की बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया भगवान कहते हैं बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी इसलिए मीरा कहती है तीन बड़न सवाए आज अगर 1,00,000 किया ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी चार दिन में 2,00,000 और यही धन है तुम्हारी सही कापी में सब डिपॉजिट हो रही सब एक धन और अंतिम समय में कापी खोलो ना माला ही माल है ठीक है ना ये धन काम में जाएगा इसलिए अब लोग एक माला देता हूँ ठीक है सबके सब माला लेकर के कुछ समय भगवान के लिए लगाया करो।